नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक्यूज यासीन मलिक है उसका जो सेंटेंसिंग ऑर्डर कोर्ट ने दिया है। आज के इस वीडियो में हम उस सेंटेंसिंग ऑर्डर को देखेंगे कि क्या राइवल सबमिशंस दोनों पार्टीज ने दी और फिर जज ने उस पे क्या ऑब्जर्वेशन देके यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस केस में ट्रायल नहीं हुआ, यासीन मलिक ने इस केस में गिल्टी प्लीड किया था दोस्तों। तो जब उसने गिल्टी प्लीड किया तो फिर तो सेंटेंस पे ऑर्डर होना था, तो कोर्ट ने यासीन मलिक को इन सब ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया। 120B ऑफ आईपीसी, 121 ऑफ आईपीसी, 121A ऑफ आईपीसी, 13 UAPA, 120BIPC, रेड विद 120BIPC, 15 UAPA, रेड विद 120PIC, आईपीसी, 17, 18 एंड 20 UAPA, 38 एंड 39 UAPA। UAPA इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इन सब चीजों पे चार्ज फ्रेम हुआ था और फिर इस पे प्लीड गिल्टी कर लिया यासीन मलिक ने। तो जैसा कि हमने जो लास्ट वीडियो में बात करी थी कि एक्यूज की जो है जेल से सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट वगैरह मंगाई गई कोर्ट से, कोर्ट ने मंगाई और फिर उसको जो है उसके कंडक्ट के लिए जेल से रिपोर्ट वगैरह मंगाई गई। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद कोर्ट ने एक्यूज्ड यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा दी। तो ये सब जो है वो रिकॉर्ड है। तो अब जो लर्नेड एपीपी थे स्टेट की तरफ से, उन्होंने इसके लिए डेथ सेंटेंस की डिमांड करी। और जो उन्होंने कहा कि डेटरेंट इफेक्ट के लिए इसको जो है डेथ सेंटेंस देनी चाहिए, लेकिन जो अमाइकस क्यूरी कोर्ट ने इसके लिए अपॉइंट किया था यासीन मलिक के लिए, उसने कहा कि जेल में इसका कंडक्ट अच्छा है और सो देर आर चांसेस ऑफ हिज रिफॉर्मेशन, सो ही शुड बी गिवन अ चांस एंड ही शुड बी गिवन मिनिमम सेंटेंस। सो कोर्ट ने इन राइवल कंटेंशंस को सुना और फिर कोर्ट ने यासीन मलिक को भी सेपरेटली अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपना पक्ष रखे। अब हम यहां से हम इसे देखेंगे कि यासीन मलिक ने क्या कहा। Convict Yasin Malik was also given an opportunity to state his case on the point of sentence. The convict has contended that he has given up violence in 1994. Before 1994, he has picked up gun and he has never shied away from the fact. At that time also, he was known by his name as a person who engaged in armed struggle. After the ceasefire in 1994, he declared he would follow peaceful पाथ ऑफ महात्मा गांधी एंड वुड एंगेज इन नॉन वायलेंट पॉलिटिकल स्ट्रगल। ही फर्दर कंटेंडेड दैट सिंस देर इज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम इन लास्ट 28 ईयर्स ही हैड प्रोवाइडेड एनी हाइड आउट टू मिलिटेंट और प्रोवाइडेड एनी लॉजिस्टिक सपोर्ट टू एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ही हैज फर्दर कंटेंडेड दैट मेनी अ टाइम्स इट हैज बिन रेज दैट ही हैड मेट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, बट ही हैड नॉट ओनली मेट वन प्राइम मिनिस्टर, ऑल प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ वीपी सिंह टू अटल बिहारी वाजपेयी हैज एंगेज्ड विद हिम एंड हैड गिवन हिम अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड हिम ऑल द प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड एंड गवर्नमेंट कैनॉट बी कंसिडर्ड टू बी फूल टू गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन टेररिस्ट एक्ट। ही हैज फर्दर कंटेंडेड दैट It has been alleged that he was engaged in act of violence in Delhi post killing of Burhan Wani. However, immediately after the death of Burhan Wani, he was arrested and remained in custody till November 2016. Therefore, he could not have engaged in violent protest. तो ये यासीन मलिक ने दलील दी कि मैंने 1994 के बाद हिंसा छोड़ दी और आई हैव फॉलोड दी गांधी की नॉन वायलेंट तरीके से मैंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और सभी भारत भारत की जो जितनी पिछली सरकारें आई हैं मोदी सरकार से पहले,
उन सब ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने विचार प्रकट कर सकूं या इस तरह से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकूं। तो और गवर्नमेंट्स वो कहता है कि फूल नहीं है, और वो उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा बिकॉज दे सॉ दैट द रिफॉर्म इज यू नो रिफॉर्म इज अ पॉसिबिलिटी इन मी, राइट। तो कोर्ट ने ये कहा कि अब हमने सारी कंसिडर कर ली है और प्रोसिक्यूशन ने मैक्सिमम सेंटेंस मांगी है, और जबकि एक्यूज के काउंसिल ने मिनिमम सेंटेंस मांगी है, राइट। द प्रोसिक्यूशन हैज बेस्ड इन इट्स क्लेम ऑन डेटरेंट थ्योरी, ऑन द अदर हैंड हैज कंटेंडेड दैट नीड नॉट मेड एन एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी एंड इसका रिफॉर्मेशन का पॉसिबल है, राइट। अब हम देखते हैं कोर्ट की फाइंडिंग क्या है दोस्तों, सीधा हम कोर्ट की फाइंडिंग पे आते हैं। Therefore, the twin objective of sentencing decided by Honorable Apex Court is deterrent and correction. Deterrent is in relation to crime committed and correction is in relation to the criminal. So, I have heard the contention. I have considered the contention. Admittedly, अब जज साहब यहाँ जो है अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं after listening to the parties. Admittedly, the convict has been engaged in violent terrorist activities prior to 1994. The claim of convict is that he has gave up gun in 1994 and therefore he was recognized as legitimate political player, which is evident from the fact that government of India has been engaging with him and has been providing him platform to express his opinion. So judge kehta hai, on the face of it, it seems to be very sound argument which would give an impression that convict has already reformed. Lekin judge saab ki opinion mein, however, in my opinion, there was no reformation of the convict. Ab judge saab keh rahe hain ki isme koi reform nahi hua, aur uske liye judge saab batate hain ki aisa judge saab kyun keh rahe hain. It may be correct that convict may have given up the gun in 1994, but he has never expressed any regret for the violence he had committed prior to 1994. यानी कि उसने कभी जो हिंसा उसने 1994 से पहले की है उसने कभी उसके लिए दुख प्रकट नहीं किया, शोक प्रकट नहीं किया, कोई खेद व्यक्त नहीं किया, राइट। इट इज टू बी नोटिस दैट व्हेन ही क्लेम्ड दैट ही हैव गिवन अप द पाथ ऑफ वायलेंस आफ्टर द 1994, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक इट एन ऑन फेस वैल्यू एंड गेव एन अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म इन गुड फेथ। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके वायलेंस गिव अप करने को गुड फेथ में लिया और इसको मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज किया और इसको हर प्लेटफॉर्म दिया अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन जज साहब ये कहते हैं कि ही रादर बिट्रेड द गुड इंटेंशंस ऑफ गवर्नमेंट, ही टुक अ डिफरेंट पाथ टू ऑर्केस्ट्रेट वायलेंस इन द गाइज ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। द कन्विक्ट हैज क्लेम्ड दैट ही हैज फॉलोड गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड वाज spearheading a peaceful non-violent struggle. यानी कि वो ये कह रहे हैं जो साहब कि ये कह रहा है कि मैंने गांधी का रास्ता फॉलो किया। However, the evidence on the basis of which charge was framed and to which he the convict has pleaded guilty speaks the otherwise. मतलब जिन भी चार्ज के बेस पे हमने इसे कन्विक्ट किया है और जिसको इसने एडमिट किया है वो कुछ और कहानी कह रहे हैं। The entire movement was planned to be violent movement and large scale violence ensued is a matter of fact. I must observe here that the convict cannot be invoke Mahatma and claim to be his follower, because Gandhi ji ne jab ek baar choti si chori chora ka incident hua tha violence ka, to Gandhi ji ne pura non violent apna jo movement tha non cooperation ka wo withdraw kar liya tha. Lekin is vyakti ne neither condemned violence nor withdrew his calendar of protest which has led to such violence. यानी ना तो इसने कभी violence को condemn किया और ना ही इसने उन activities को condemned किया जो इसने protest किए या जो धरने दिए जिनकी वजह से हिंसा हुई, इसने कभी उनको भी condemn नहीं किया। इसलिए जज साहब ये कहते हैं कि ये आदमी का कोई reformation नहीं हुआ है और ये आदमी सिर्फ नॉन वायलेंट के गार्ब में अपना एजेंडा चला रहा है। आई अकॉर्डिंगली फाइंड इन द प्रेजेंट केस द प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर अवॉइडिंग सेंटेंस शुड बी इट शुड सर्व एज डेटरेंट फॉर दोज हु सीक टू फॉलो सिमिलर पाथ।
राइट, तो जज साहब ने इसको सब फैक्टर्स कंसिडर करके इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दोस्तों दी इसे। तो इसको सेक्शन 120 में दोस्तों दी गई है 10 ईयर्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ 10,000 अपॉन कन्विक्ट फॉर दिस सेक्शन 120B। फॉर 121 आईपीसी प्रोसिक्यूशन ने डेथ सेंटेंस मांगी थी, बट वो डेथ सेंटेंस इसको नहीं दी गई, इसको उम्र कैद दी गई। इट इज करेक्ट दैट 121 प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर डेथ सेंटेंस इन केस ऑफ पर्सन्स टू प्रूव्ड हैव कमिटेड इन 121 द कन्विक्ट हैज बीन कन्विक्टेड फॉर 121। हाउएवर इट इज नाउ वेल सेटल्ड दैट बिकॉज द ऑफेंस प्रोवाइड फॉर कैपिटल पनिशमेंट द सेम कैनॉट बी हैंडेड ओवर टू कन्विक्ट इन रूटीन मैनर। तो बच्चन सिंह का जो कोर्ट ने क्राइटेरिया जो बताया था रेयरेस्ट ऑफ रेयर का, उसको कोर्ट ने फॉलो करते हुए इसको डेथ सेंटेंस नहीं दी 121 में, और इसको उम्र कैद दी दोस्तों। राइट, फिर 121A में इसको 10 साल 10,000 रुपये का जुर्माना और 10 साल की सजा। फिर 13 UAPA में 5 साल की सजा और 5,000 जुर्माना। राइट, और अगर ये फाइन नहीं पे करता 3 महीने का और इसको सजा काटनी पड़ेगी। UAPA में 15 में और 16 में दोस्तों इसको 10 साल का सजा और 10,000 का जुर्माना। और इसी तरह से जो 17 जो यूएपी है जिसमें फाइनेंसिंग जो है टेरर फंडिंग जो है उसके लिए इसको पनिश किया गया है दोस्तों, जिसमें इस पे 10 लाख का जुर्माना और इसे उम्र कैद दी गई है। राइट, और इसी तरह से इसको 10 साल की सजा UAP 18 और 10,000 का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना और 10 साल की सजा दी गई है 20 UAPA में। द कन्विक्ट इज सेंटेंस टू 5 ईयर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ 5,000 एंड टू गो सिंपल इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ ही डज नॉट पे दी फाइन। और इसी तरह से इसको 39 UAPA में पनिशमेंट दी गई है दोस्तों। ऑल सेंटेंसेज शेल रन कंकरेंटली, बेनिफिट ऑफ सेक्शन 428 CRPC शेल बी गिवन टू दी कन्विक्ट। राइट, तो दोस्तों ये यासीन मलिक का सेंटेंसिंग ऑर्डर है, इसको उम्र कैद की सजा दी गई है और इसकी सारी सजा जितनी से दी गई है सब कॉन्करेंटली चलती रहेंगी। राइट, तो वो कंसेक्यूटिवली नहीं चलेंगी, कंकरेंटली चलेंगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।